मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें विक्रांत भूरिया को प्रदेश युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें कुल 40,850 मत मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 20,430 मतों के साथ संजय सिंह यादव रहे हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में संगठन चुनाव के लिए 10, 11 और 12 दिसंबर को ऑनलाइन वोटिंग हुई थी। इसमें 1,11,000 से अधिक सदस्यों ने मतदान किया था। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला विक्रांत भूरिया और संजय सिंह यादव के बीच ही माना जा रहा था, जिसमें विक्रांत भूरिया भारी पड़े। विक्रांत भूरिया को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी समर्थन हासिल था। विक्रांत पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के पुत्र हैं। वहीं संजय सिंह यादव पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं। उन्हें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे विधायक कुणाल चौधरी का समर्थन हासिल था। तीसरे स्थान पर रहे अजीत बोरासी, हाल ही में वे सांवेर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर उपचुनाव लड़े प्रेमचंद्र गुड्डू के पुत्र हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े भी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। हालांकि उन्होंने अपना समर्थन प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को दे दिया था, जिन्हें 9,827 मत मिले। वहीं विपिन वानखेड़े को 1,988 वोट प्राप्त हुए हैं। अब संगठन में चार उपाध्यक्ष अजीत बोरासी, संजय सिंह यादव, महिला कोटे से प्रतिमा मुदगल और विपिन वानखेड़े होंगे। वहीं अंकित ढोली, जावेद मोहम्मद, शमोना गौरव, सिद्धार्थ कुशवाहा, वंदना वेन और विवेक त्रिपाठी सचिव होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।